सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। अब हमने सोचा थोड़ी आए तो नकुल को शॉपिंग करनी थी यहाँ से, कुछ भी बोली लगा तो इसने कहा तो चल तू शॉपिंग कर ले, मैं ब्लॉग करता हूँ तब। तो ये अभी अंदर जाएगा शॉपिंग करने जाएगा। आपको हम अभी पैकिंग कर चुके हैं, हमें निकलने का था। हमें कल एक बहुत अच्छा हमारा बन गया है। आपको बताऊंगा क्या बना। हमने जाना था ट्रेन से, हमें सर शताब्दी स्पेशल थी। और मैंने किसी ने से पूछा मैंने ट्रेन का स्टेटस क्या, तो उस बंदे में कि ट्रेन तुम्हारी कैंसिल हो चुकी है। मैंने इसको बताया तो इसको लगा कि मैं इसके साथ मजाक कर रहा हूँ। जब मेरे पास वो आया स्क्रीन शॉट आया कि टाइम पता लग गया हमको कि वो तो मेरा स्क्रीन शॉट आया कि ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। तो मैंने कहा देख लें ट्रेन कैंसल्ड है, तो हमने तुरंत ही फ्लाइट की टिकट बुक कराई। हमें जो ऑन द स्पॉट सस्ती मिल गई, ये भगवान की दुआ कर रहा है या हमारे गुड लक कर रहा है, हमें मिल गई। तो अब हमारा सामान समून सब पैक हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए, मुझे बोलने देगा पहले कहाँ पे आए बताओ। आज हम आए डेली होम से और स्पेशल मिलने आए अपनी फ्रेंड युक्ति से, वही युक्ति जो हमारे साथ मसूरी ट्रिप पे नहीं गई थी। याद आया और हम उसको कहने में कौन था वहाँ पर आपको उससे मिलवाते हैं। तो युक्ति जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। आप हमें बहुत बोला कि हमारा ट्रिप पे नहीं गया। हाँ, वो सॉरी बोलना चाहती हूँ उसके लिए, क्योंकि उसके वजह से कुछ फैमिली रीजन था उसके। सो गाइस, हम आ चुके हैं दिल्ली होमस्टे की ओनर से मिलने आज। तो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। मैं ओनर हूँ ये दिल्ली होमस्टे की। हमारे यहाँ पे 4 रूम्स हैं, वो ये साउथ दिल्ली के सेंटर में पड़ता है और ये निज़ामुद्दीन दरगाह के बिल्कुल पास है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, आज सबको पता ही है इस बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता लगी कि हम दिल्ली होमस्टे में आए हैं। दिल्ली होमस्टे यहाँ पे बहुत फेमस है और मुझे इस बारे में खुद मैंने कुल इसके रिव्यूज़ देखे हैं गूगल के अंदर। इसके 4.7 रेटिंग है एंड मैं मान सकता हूँ कि इसकी हाइजीन और सेफ्टी को देखते से आपने देखा है अभी कि ये कितना साफ है और कितना अच्छा है। और यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट है। पहले मौके बता रहता हूँ दिल्ली होमस्टे इस सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन है। अगर आपको सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन के बारे में नहीं पता सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन क्या होता है, तो ये आज आपको हमारी फ्रेंड वन एंड ओनली युक्ति बताएगी जो हमारे साथ ट्रिप में नहीं गई थी। सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन होती है धर्मशाला की, जैसे फैमिली रिजॉर्ट B&B जो फैमिली की तरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो कितने लोगों को इस बारे में पता रहा कि सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन क्या होता है, तो ये हमें नीचे बता दीजिए कमेंट्स के अंदर। तो युक्ति मुझे पहले ये बता कि यहाँ पे कितने टोटल रूम हैं? यहाँ पे टोटल 4 रूम्स हैं, एक फैमिली रूम है और एक व्यू वाला रूम है और एक यहाँ पे कॉमन किचन है। अगर किसी गेस्ट को अपना खाना बनाना है तो वो खाना बना सकते हैं, और वैसे भी हम ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वैसे भी अगर जैसे आप देखोगे नीचे और आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा कि यहाँ पर ये बेड एंड ब्रेकफास्ट B&B के लिए फेमस है। और जैसे इसने बताया कि यहाँ पे किचन है कॉमन, तो मैक्सिमम जो लोग आते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें अपने ना खाना बनाना है, तो वो खाना खुद जाके बना सकते हैं। मगर इसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड होती है वो भी दिल्ली होमस्टे के ओनर से, जो अभी यहाँ पर है युक्ति एंड युक्ति की बड़ी बहन। सो हाई, मायसेल्फ सौम्या अरोड़ा, वी आर रनिंग दिस दिल्ली होमस्टे, वी बोथ आर रनिंग टुगेदर। अब हम आपको कहेंगे यहाँ का रूम का टूर, चलिए चलते हैं आइए। चुके हैं इनके फैमिली रूम में, तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर। तो मुझे आप इस रूम के बारे में बताइए थोड़ा सा। ओके, दिस इज फैमिली रूम, विच मींस कि इसमें अगर पेरेंट्स हैं उनके साथ बच्चे हैं तो वो यहाँ पे मतलब उनके चिल्ड्रन भी और फैमिली भी पूरी फैमिली स्टे कर सकती है। वी प्रोवाइड ब्रेकफास्ट इन विद दिस रूम एंड वाईफाई इज देयर। आते रूम कैसा है आइए कम। तो आइए अब
आपको बालकनी से व्यू दिखाया जाएगा, आइए। तो ये फैमिली रूम है जैसे आपने देखा है, तो आप मुझे पहले ये बताइए फैमिली रूम में आप क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम लोग फैमिली रूम में हॉट वाटर, वी प्रोवाइड वाईफाई एंड देयर आर टू बालकनीज इन दिस रूम एंड वी प्रोवाइड देयर टू बालकनीज इन दिस रूम। ओके एंड वी हैव कबर्ड आल्सो टू कीप योर लगेज एंड वी हैव ड्रॉअर्स एज यू कैन सी हियर, मिरर, ड्रेसिंग टेबल एंड ऑल टू चेयर्स एंड टेबल्स आर देयर। तो गाइस ये इसका बालकनी है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर एक रूम में एसी भी लगा हुआ है। आई वांट माय कैमरामैन टू शो दिस एसी। ये सामने पार्क भी है, जिसको पार्क में जाना है वो यहाँ पे पार्क में शाम को वॉक भी कर सकता है। और वैसे भी जैसे आपको मैं बता देता हूँ, आई विल लाइक टू कॉल युक्ति द ओनर ऑफ दिल्ली होम स्टे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जंगपुरा, ये जंगपुरा में है, जंगपुरा एक्सटेंशन में ए ब्लॉक के अंदर है। और ये आपको बताएगा युक्ति की जंगपुरा पूरे दिल्ली में कहाँ पड़ता है। तो युक्ति मुझे बताइए कि ये यहाँ पर जंगपुरा एक्सटेंशन से है कहाँ पर? ये जंगपुरा साउथ दिल्ली का पार्ट है, ये निज़ामुद्दीन दरगाह के पास है और यहाँ रोज़ होटल भी इसके बहुत पास पड़ता है। बाकी यहाँ पे इसके पास मेट्रो स्टेशन भी है, जंगपुरा एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे हम देखें तो ये सेंट्रल पॉइंट है, ये कनेक्ट करता है साउथ दिल्ली को नॉर्थ दिल्ली से भी। यहाँ पे सेंट्रल में देखें तो यहाँ पे सीपी भी पास पड़ेगा, कनॉट प्लेस, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जाते हैं फॉर द नाइट लाइफ। ये बड़ा फेमस है नाइट लाइफ के लिए, पास डिफेंस कॉलोनी है, सागर प्लाजा। वेलकम बैक गाइस। सो आज हम फिर से निकल चुके हैं एक नई वाला मंजिल की ओर। मंजिल कहाँ पर है वो भी आपको थोड़ी देर में बताई जाएंगे। तो आपने तो हमारे सारे ब्लॉग्स देख ही लिए होंगे जैसे मसूरी के, अगर नहीं देखे तो देख ही लो, ऊपर से आई जाएगा आपको, आई बटन में दिख जाएगा लिंक, वहाँ जाकर फटाफट चेक। वैसे हार्दिक जैसे हंसा उस वाली वीडियो में, क्यों हार्दिक? वो हमारा होता है बिहाइंड द सीन, जो हम रियल फन करते हैं, जो हम आपको हम जो व्लॉग होता है बस वो होता है 10 मिनट का। ये हमारा जो हम ट्रिप पे एंजॉय करने गए थे, हमने भरपूर एंजॉय किया। सारे दिन में से आपको सिर्फ 5-6 मिनट का नजर आता होगा, 5-6 मिनट का व्लॉग दिखाते हैं आपको, पता ही है। अगर इतना व्लॉग लंबा था तो आपको मजा नहीं आएगा देखने, हमें बनाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए तो आपको 10 मिनट का दिखाएंगे। इस बार जो ट्रिप पे जा रहे हैं सिर्फ हार्दिक और मैं जा रहे हैं, और हमको कुछ काम भी था, सोचा कि चलो आपको घूम लेते हैं। और ये जो जगह है ये बड़ी खास है मेरे लिए क्योंकि इट्स माय बर्थ प्लेस, सो आपको हम बक्का लेके जाएंगे और वहाँ पे बहुत चीज दिखाने वाले, बहुत चीज दिखाने वाले हैं सच में। चलो तो गाइस हम बैठ गए हैं गाड़ी में और हम जा रहे हैं अभी हम एयरपोर्ट पे। वैसे तुम्हारा अभी वो ट्रेन के चक्कर में हुआ ना, आपको बता ही दिए, हो चुका तो हो गया, जो जब जो उसके पैसे लेंगे बड़ी खुशी। हमारे फ्लाइट का ही लिखा था, उन्हीं को कौन डाल सकता है, अब क्या कर सकते हैं। चलो जा गए, तो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पर। अब हमने सोचा थोड़ी आए हैं तो नकुल को शॉपिंग करनी थी यहाँ से, कुछ भी बोली लगा तो इसने कहा तो चल तू शॉपिंग कर ले, मैं ब्लॉग करता हूँ तब, तो ये अभी अंदर जाएगा शॉपिंग करने जाएगा, ठीक है। और हमने एयरपोर्ट तो आ चुके हैं, घूमे थोड़ा बहुत, हम घूमने लगे हैं तब, क्योंकि हमें फ्लाइट में भी कितना टाइम बचा है, अभी भी 1 घंटा बचा ना, 1 घंटा बचा है, 25 मिनट बचा है, तो तब तक हम थोड़ा घूमे हैं और आपको दिख।
ये देखो ये हमारा ट्रैवल टू इंस्टा की टीम का बंदा इसमें लगा हुआ, देख लो। ऐसे गाइस हम प्लेन में बैठ चुके हैं और बाकी तो तुमने देख ही लिया था कितना कुछ हुआ हमारे साथ अभी। और मिस्टर हार्दिक जैन यहाँ पर हैं। हेलो, हमको पीपीई किट बना के बैठा दिया गया, शील है अभी लेनी है, पहनेंगे, टेंशन मत लिए सब पहनेंगे। और लेट्स स्टार्ट। हम आपकी सुरक्षा।